उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ भी अब चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। कल भी उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया और आज भी 3 विधानसभा क्षेत्रों की कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे जहां पर अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और इसके साथ ही करहल और खैर में भी अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो आज योगी आदित्यनाथ की 3 सभाएं हैं और इन 3 सभाओं के जरिए अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करहल, सीसामऊ और खैर में अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल भी चुनाव प्रचार में थे और आज भी एक बार फिर से अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। हम आपको बता दें कि खैर में और करहल में और सीसामऊ में अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। खैर में सुरेंद्र दिलेर, करहल में अनुजेश यादव और सीसामऊ में सुरेश अवस्थी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। अब चुनावी रैलियों के जरिए लोगों से बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेने के लिए अपील करेंगे और साथ ही अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इन जगहों पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं, बाकी जो स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी क्रम में अपने प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भी प्रचार के लिए वो जा रहे हैं। कल से उनका यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और आज भी उनकी 3 सभाएं हैं।